जय श्री कृष्णा दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद आपसे मिल रहा हूँ। मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो काफ़ी आप लोगों को पसंद आएगा। देखिए, हनुमान जी की पूजा के बारे में, पूजा पाठ के बारे में मैं अधिकतर वीडियो डालता रहता हूँ, चाहे सुंदरकांड हो, हनुमान चालीसा हो या फिर 108 हनुमान चालीसा के बारे में। अब ये जो हनुमान चालीसा भारतवर्ष में अधिकतर सब जगह सब लोग पढ़ते हैं, जो वीडियो ये देख रहा है वो भी पढ़ता होगा। हम सभी जानते हैं कि रामचरितमानस, हनुमान चालीसा जैसी रचनाएं स्वामी तुलसीदास जी ने की थी। क्या आप ये जानते हैं कि हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने कहाँ लिखी थी, कैसे इसका निर्माण हुआ, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तुलसीदास जी जिस समय के थे, 400-450 साल पहले की बात है लगभग, उनके जो समकालीन राजा थे वो राजा अकबर थे। ये तो आप सभी जानते होंगे कि उन्होंने कई बार परीक्षाएं भी ली, जैसे धर्म भक्त की परीक्षा ली थी, तो ऐसे ही इनका भी नाम था उस समय। ये भी भक्त शिरोमणि थे, हनुमान जी के सेवक थे, काफी कुछ इन्होंने चमत्कार करके दिखाया था। तो जब ये चमत्कार करते थे तो प्रसिद्धि तो मिलनी है। ऐसी ही बातें राजा अकबर के पास में पहुंची और उन्होंने संदेश दिया कि इनको बुला के लाया जाए। बुलाया गया, बोला कि देखते हैं ये जिनकी आराधना करते हैं वो है भी कि नहीं है, और तुलसीदास जी को काल कोठरी में बंद कर दिया। अब ये तो थे ही भक्त, ये पूरी रात हनुमान जी का स्मरण करते रहे और वहां की दीवारों पे, वहां के पत्थरों पे लिखते रहे। जब वो लिख रहे थे तो उधर वानर ही वानर आ गए, खूब वानर आए और तोड़फोड़ शुरू कर दी, उछलना कूदना। हाँ, आप सभी जानते हैं बंदर की शैतानियां, और पेड़ पौधे जो भी थे सब नष्ट करने लगे और खूब मात्रा में आए, सब कुछ बिगाड़ने लगे। तो राजा ने कहा कि ये पहली बार ऐसा हुआ है, पर हो क्यों रहा है। तो उनके जो साथ में थे उन्होंने कहा कि आपने जिसको पकड़ रखा है वो साधारण इंसान नहीं है, आप उनको छोड़ दीजिए, नहीं तो ये सब कुछ कर सकते हैं। जैसे ही उन्होंने उनको छोड़ा, वानर शांत हुए, वो चले गए। तो जो ये रचना हुई, उन्होंने जो रात को लिखा, उन शिलालेखों पे, उन पत्थरों पे, उन दीवारों पे जो लिखा, वो हनुमान चालीसा, वो हनुमान चालीसा बनी, जिसके प्रभाव से वानर आए और वो मुक्त। इसलिए कहते हैं, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। बस यही जो चमत्कार था, जब हमारे अंदर भी इसी तरीके की भक्ति ध्यान होगा तो चमत्कार अवश्य होता है, फल अवश्य मिलता है, इस चीज का ध्यान रखें। तो इस तरीके से हनुमान चालीसा का निर्माण हुआ था। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
लाइक करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।